फिलहाल ये बताइए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें लंबे अवधि का नजरिया क्या है? ये सुनील जी का सवाल है, सुशील जी का। क्या यहाँ पे अभी इन भावों पे पैसा लगाएं इसमें? इसे भी मैं देखिए ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी एक बार जो मूवमेंट आना था ना, मुझे लगता है कि निकल गया रहा जी। अब दूसरा मूवमेंट करेक्शन होने के बाद जब आपका रेट कट शुरू हो जाएगा ना, तब फिर अगला मूवमेंट आना चाहिए जितने भी SFB हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा तो इंतज़ार करना फ़ायदा में रह सकते हैं ये। और उज्जीवन वैसे भी 22 रुपये की चीज़ आपकी 60 रुपये पहुँच चुकी है, 60 रुपये क्या 65 रुपये पहुँच चुकी है, 63-64 रुपये। तो एक थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ अच्छा हो जाए और फिर इनका नया साइकिल शुरू होना चाहिए जब रेट कट शुरू होगा तब, मेरा ऐसा अंदाजा है। और इस समय थोड़ा वेट एंड वॉच में रहें तो बेहतर है, बिकॉज अगर किया भी ना तो बहुत ज़्यादा ROI यहाँ से तो नहीं मिलने का दिखता है। कभी अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ना 55-56 पे, तो एक बार रिव्यू कर सकते हैं। जी, वैसे ये क्या कुछ छप्पर तानने की कोशिश कर रहा है या टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है? क्या हो रहा है अभी इस चार्ट में? इसमें बड़े अजीब पैटर्न बनते हैं। इसमें ऐसा पैटर्न बन सकता है कि आपने ये 43 वाला जो डाउनसाइड देख रहे हैं ना, ये आपके लिए समझें कि पूरा का पूरा गीता का सार है। क्योंकि ये अगर गया तो आप समझें कि राउंडिंग टॉप ऑलमोस्ट कंफर्म है, और राउंडिंग टॉप कंफर्म है तो फिर वो 38% रिट्रेसमेंट या 62% रिट्रेसमेंट वो समय से पता चलेगा। अच्छा, वो जब तक रिट्रेसमेंट ये फिर हम कहाँ से नहीं देखेंगे? वो ये गया, 22 से देख लीजिए पहले तो। मतलब ये 22-23 वाले लेवल से ही रिट्रेसमेंट देखेंगे, हाँ, वहां से देख सकते तो अगर वहां से देखेंगे तो 38 तो उससे पहले ही हो जा रहा है ना? 38 तो 47-48 पे ही आ जा रहा है। हैं। हाँ, नहीं, 38% रिट्रेसमेंट आपका 38 रुपीज पे ही आएगा करीब करीब। नहीं, अगर मैं 22-23 से लेकर के 63 का एक रिट्रेसमेंट खींच रहा हूँ, तो हाँ 38% जो है वो तो आ रहा है 48 के आसपास, हाँ अच्छा, और थर्टी एट परसेंट सॉरी सॉरी अब सिक्सटी थर्टी वन एट पॉइंट परसेंट एट आप अच्छा बोल रहे हैं 38, लेकिन आपके मन में आ रहा है 62। हाँ, 62। जी ठीक है, तो 38 मतलब 62% रिटर्न, 61.8% रिट्रेसमेंट वो लेवल बनेगा 38 के आसपास का। तो अगर 43 छूट गया तो वहां तक चला जाएगा। जा सकते जी, तो यहाँ पे बस मसला यही है कि मौजूदा भाव में निवेश करें या ना करें, उसमें आपको ये 43 का ध्यान जरूर रखना है। अब सवाल ये है कि अभी तो ये सारे जितने इसके मूविंग एवरेजेज हैं, छोटे अवधि के, लंबे अवधि के, बड़ी अवधि के, मध्यम अवधि के, सब के नीचे ही नीचे अटका हुआ है ना ये बहुत समय से। तो इसके ऊपर निकलेगा, अगर नया पैसा लगाना है तो क्या मैं थोड़ा इंतजार करूँ 57 के ऊपर निकल जाए तब, या 63 वाला ही जो टॉप है उसी को पार होने के बाद, मतलब मोमेंटम कहाँ से आएगा इसमें? इसमें इसीलिए मैंने बोला कि एक बार 56 के ऊपर इसको रिव्यू करते हैं, वहां से ओके शायद ठीक वो इसका दो है, ही तो पैटर्न बनेगा। जी या तो आपका ये जो मैंने बोला ये 43 वाला गया तो राउंडिंग टॉप रीडिंग करनी है, और फिर वो 38 या पता नहीं उसके भी नीचे जा सकता है। लेकिन जी अगर 43 रह गया ना, तो मतलब इसका करेक्शन कंप्लीटेड है। अब ये 2-3 क्वार्टर कंसोलिडेशन इन नेचर हो सकता है, और उसके बाद फिर फाइनल इसका ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। तो सेक्टर पोजिशनिंग ऐसी है कि इसमें नेगेटिविटी तो बहुत है नहीं, यही है कि कंसोलिडेशन है। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि अक्टूबर नवंबर के बाद फिर रेट कट भी तो शुरू हो जाना ही चाहिए, तो ये सब फिर आ जी जाएंगे, इंटरेस्ट सेक्टर में डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपना तय करिए। ना हो तो एक बार अगर कभी 56-57 पार होने लगे तो उसके बाद वापस एक बार सवाल पूछ लीजिए, उस समय क्या मन बनता है या कैसे इसकी स्थिति दिखती है। यहाँ पर मन क्या बनेगा, जैसी स्थिति दिखेगी वैसा सुमर्शी बताएंगे फिर।